प्रधानमंत्री मोदी आज किसान सम्मान निधि के तहत करीब 9,75,00,000 से ज्यादा किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की राशि देने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहेंगे। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 6,000 रुपए हर साल की जो है आर्थिक मदद देते हैं। 2,000 रुपए की किश्त साल में 3 बार जो है वो दी जाती है। 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया है क्या और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर। जो किसान भाई 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बेहद जरूरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की धनराशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके तहत अब तक किसान भाइयों को 11वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं और अब किसानों के इंतजार है 12वीं किस्त का। तो 12वीं किस्त का भी किसान भाइयों इंतजार खत्म होने वाला है। पीएम किसान योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर की जाती है। वहीं दूसरी किस्त की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर 30 नवम्बर के बीच ट्रांसफर की जाती है और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है, जिसके तहत आपको दूसरी किस्त यानी कि 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच ट्रांसफर की जानी है, जो कि आप लोग को कल आपके खाते में ट्रांसफर की जा सकती है, जिसके तहत किसान भाइयों 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 25,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।